नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आनंद आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने दी पावर एग्रीकल्चर में नए सब्जेक्ट के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के उस प्रोग्राम की जिसने गांव की दिशा और दशा दोनों बदल दी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को भारत सरकार के द्वारा की गई। गाँव की दशा बदलने के लिए गांव सरकार ने एक कमेटी का गठन किया जिसका कमेटी का नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। इस कमेटी ने सरकार को अपनी 3 सिफारिशें प्रस्तुत की जिसपे उन्होंने कहा कि गांव के विकास के लिए 3-टायर सिस्टम का होना जरूरी है, यानी कि 3 स्तरीय विकेंद्रीकरण। इसके लिए पहला ब्रिज लेवल में ग्राम पंचायत था, ब्लॉक लेवल में क्षेत्र पंचायत और डिस्ट्रिक्ट लेवल में जिला पंचायत। जो मेन फिलॉसफी थी सीटीपी की वो ये थी कोऑपरेशन एंड सेल्फ हेल्प। दोस्तों सहकारिता और स्वयं सहायता से आप बिल्कुल वाकिफ होंगे। सहकारिता आपस में किसी टारगेट को अचीव करने के लिए काम मिलजुल कर कार्य करना, और सेल्फ हेल्प स्वयं को मोटिवेट करना और एक ही टारगेट के लिए अलग अलग तरीके से स्वयं काम करना सेल्फ हेल्प कहलाता था। दोस्तों मैं आपको सीडीपी में मेन थी मेन पॉइंट बताने जा रहा हूँ। मेन 3 ऑब्जेक्टिव थे सीडीपी के, ऑल डेवलपमेंट ऑफ विलेज कम्युनिटी यानी कि ग्रामीण समुदाय का पूरी तरह विकास। समुदाय में आप जानते हैं एक निश्चित भूभाग में रहने वाला कोई समूह, इसमें कृषक समूह था, पुरुष समूह, महिला समूह, विद्यार्थियों का समूह, किसी भी प्रकार का एक मेन वर्ग का समूह। इसी क्रम में दोस्तों दूसरा था डेवलप द कम्युनिटी लाइफ एमंग द विलेजर्स, ग्रामीण व्यक्तियों के समुदाय का विकास करना या सामुदायिक लाइफ का विकास करना। इसी तरह आगे उनका ओपनली जो प्रोग्राम था वो था स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, लोकल लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड क्रिएशन। उन्हें मतलब सभी तरीके से इस प्रकार खड़ा करना कि वह सामाजिक मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर समझ सके और अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बता सके। दोस्तों इसी क्रम में एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ सीडीपी मतलब समुदाय विकास कार्यक्रम का एक प्रशासनिक ढांचा जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री होते हैं, उनके नीचे सभी मंत्रीगण, मुख्य विकास परिषद जो मुख्यमंत्रियों के समूह को प्रदर्शित करता था, और योजना आयोग जो वर्तमान में नीति आयोग कहलाने लगा है। राज्य स्तर पर राज्य विकास समिति होती थी और उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते थे, विकास आयुक्त जो एक IAS ऑफिसर हुआ करते थे वो सचिव होते थे, जिला स्तर पर जिला विकास अधिकारी होते हैं, खंड स्तर पर खंड विकास अधिकारी होते हैं, ग्राम स्तर पर ग्राम सेवक होते हैं और सीधे जो जनता तक पहुंचते हैं। दोस्तों ये तो था प्रशासनिक ढांचा। अब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में राजनीतिक ढांचा को देखते हैं, जो होता है जिला पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष जिसका सेक्रेटरी DM होता है, क्षेत्र पंचायत में क्षेत्र प्रमुख यानी कि जिसका सचिव ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर होता है, और ग्राम विकास पंचायत में प्रधान होता है। दोस्तों इसी क्रम में प्रोग्राम का जो रेगुलेशन है सभी लेवल पे में देखिएगा, प्रशासनिक ढांचा राष्ट्रीय स्तर से शुरू कर राज्य स्तर, राज्य स्तर से जिला स्तर, जिला स्तर से ब्लॉक स्तर, ब्लॉक स्तर से ग्राम स्तर तक आता है। इसमें सभी तरह से चुने हुए व्यक्ति, मंत्री, नेता और प्रशासनिक अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोस्तों सीडीपी का मेन मोटो था कि गांव का विकास करना जो उस समय अपनी परिस्थितियों के हिसाब से डेवलप नहीं था। दोस्तों आज ये टॉपिक कुछ बहुत ही छोटा है, ज्यादा डिटेल नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेन पॉइंट में ही कुछ बताया। हो सकता है और वीडियो को अपडेट करूं मैं, दोबारा वीडियो लाऊं सीडीपी के लिए, तो इसलिए दोस्तों आज एक हफ्ते बाद फिर आया था आपसे मिलने। तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए पावर एग्रीकल्चर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल ताकि मैं आपको नए से नए एग्रीकल्चर करंट अफेयर के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजी और नए पॉइंट्स बता पाऊँ जिससे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर या अन्य एंट्रेंस एग्जाम में काम आएंगे। दोस्तों नमस्कार।